फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों में आप कौन से ऑयल से अपने चेहरे पर करें मसाज, जिससे कि आपका फटा हुआ चेहरा भी हो जाए ठीक और आपका कलर सर्दियों में काफी निखर जाए और आपका चेहरा जो है एकदम गोरा बन जाए। हाँ, ये सबकी चाहत होती है, किसकी चाहत नहीं होती है कि हमारा जो चेहरा एकदम गोरा सुंदर जवान, झुर्रियां बिल्कुल ना आए। झुर्रियां आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है सर्दियों में। अगर सर्दियों में हम अपनी जो त्वचा को ऑयलिंग ठीक से नहीं करते हैं या मसाज ठीक से नहीं देते हैं तो हमारे जो चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं और हमारा जो कलर है वो डल हो जाता है। तो आपको जरूर अपने चेहरे पर ऑयलिंग की मसाज करनी चाहिए और अपने चेहरे को एक अच्छे से एकदम गरम गरम हीट से मसाज करना चाहिए और एकदम बढ़िया से रखना चाहिए, जिससे कि आपके जो चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े और आपका चेहरा काला ना पड़े। तो अभी मैं बताऊंगी आगे वीडियो में कि आपको कौन से ऑयल से मसाज करनी है, जिससे कि आपके चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी बेनिफिट, एकदम अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे आपको, एकदम कोई भी पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं होगा उस ऑयल से, और उस ऑयल से आपका कलर जो है काफी हद तक निखर जाएगा, गोरा हो जाएगा। तो आप उसी ऑयल का यूज करिए। हम आपको बताएंगे नारियल तेल में आपको क्या मिलाकर और मसाज करनी है, जिससे कि आपकी सर्दियों में भी कलर एकदम गोरा हो जाए। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से मसाज करेंगे और कौन कौन से ऑयल से। देख ही सकते हैं, पहले सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को किया है क्लीन, फिर उसके बाद आपको किस कौन से ऑयल से करनी है मसाज, जिससे कि आपकी झुर्रियां हो जाएं गायब, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मैंने ये लिया है नारियल ऑयल। आप नारियल के तेल की बोतल मंगा लीजिए 10 रुपए में, ये 10 रुपए में आ जाती है, बड़ी वाली भी आप ले सकते हैं। तो और आपको जो लेना है वो लेना है, मैंने ये रोज सीरम लिया है गुड वाइब्स का, आप देख ही सकते हैं इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। फिर आपको करना क्या है कि नारियल तेल लेना है और ये दोनों चीजें आपको लेनी है। इन दोनों चीजों से आप अगर मसाज अपने चेहरे पर करेंगे तो आपके चेहरे पे बिल्कुल भी झुर्रियां नहीं आएंगी और रिंकल्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से कुछ बूंदे इस तरीके से आप अपनी हथेली पे ले लीजिए। इससे क्या होगा, कुछ भी आपका खराब नहीं होगा। कुछ ऑयल की बूंदे हमने ले ली हैं इस प्रकार से, आप देख ही सकते हैं। और इसको अब कुछ ही ज्यादा नहीं, कुछ बूंदे लेनी है आपको, 4 से 5 बूंदे ले लेनी है आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग। और आपके पास अगर ये ऑयल नहीं है, ये वाला गुड वाइब्स की सीरम नहीं है, तो आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं और इतना ही क्वांटिटी में आपको ये नारियल ऑयल लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। अब आपको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से आपको मिक्सिंग कर लेनी है। फिर आपको अपने पूरे फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, इससे आपके जो चेहरे पर एकदम रंगत आएगी, ये निखार देगा आपके चेहरे को, गोरा बनाएगा। और आपकी जितनी भी झुर्रियों की प्रॉब्लम है ना, सर्दियों में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है झुर्रियों की, वो नहीं आएगी आपके। सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों की झुर्रियां आने लगती है। इस तरीके से पहले आपको पूरे फेस में अच्छे से फैला लेना है इस ऑयल को, इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है, इस तरीके जिस तरीके से मैंने फैलाया। फिर आपको यहाँ पर आपकी आंखों के नीचे इस तरीके से आपको ये वाला हाथ यहाँ रखना है और ये वाली फिंगर लेकर इस तरीके से करना है, जो भी यहाँ के रिंकल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं। सबसे ज्यादा रिंकल्स की प्रॉब्लम वो होती है, वो सर्दी के मौसम में ही आती है, क्योंकि सर्दी के कारण हम ज्यादातर अपने चेहरे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमारे जो चेहरे पर ज्यादातर डैमेज होने के कारण होते हैं और हमारे त्वचा पर रिंकल्स आने लगते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से रिलैक्स फील हो आपकी आंखों के नीचे, अच्छे से आपको ऊपर चारों अराउंड ऑन ऑन इस तरीके से करना है। आप करेंगे तो इसकी मसाज और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, आपको इतना अच्छा फील होगा। आप सोने से थोड़ी देर पहले, ज्यादा नहीं थोड़ी देर पहले, आप इसको अच्छे से कीजिए मसाज और नाइट वर्क के लिए छोड़ दीजिए। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठोगे ना, तो आपका चेहरा एकदम रिंकल्स फ्री और एकदम ऐसा लगेगा जैसे ना सुबह सुबह फूल वगैरह खिलते हैं ना, इस तरीके से आपका चेहरा खिला खिला नजर आएगा आपको। अगर आप शाम को कुछ नहीं करते हैं तो आपका जो चेहरा होता है ना, वो मुरझा सा जाता है, इस तरीके से एकदम मुरझा जाता है, ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कब से अपने चेहरे पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगी, इसी प्रकार ब्यूटी को निखारने की प्रकार से और मेकअप की भी काफी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप अगर हमारे चैनल को पहली बार ही हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे कि आने वाली सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए और आप वीडियो देखकर ही आपको मोटिवेशन थोड़ा मिले और आप हमारे साथ साथ अपनी पूरी फुल बॉडी का केयर करें, इस तरीके से आपको छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ये वाली हमारी आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए बाय बाय।